knowledge park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. नमस्कार, मैं वर्षानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। बसों कल्याण कांग्रेस लोकल उम्मीदवारों की ओर से प्रेस मीट की गई। इस प्रेस मीट में बसों कल्याण तालुका से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार को ही कांग्रेस इस बाय इलेक्शन में टिकट दे, इस तरह की मांग करते हुए ये प्रेस मीट की, जिसमें सीनियर कांग्रेस लीडर बाबू हुन्ना नायक, शंकर जमादार, सुधाकर गुजर, यशरफ अली साहेब, एजाज लातूरे, शिवराज नरशट्टे, आनंद देवपा, इन लोगों ने अपील की है कि इस बार लोकल को ही टिकट दे। जो इशू है क्लियर है, हम क्या बोले हैं, लोकल में हमको टिकट देना बोल के बोले हैं। हाईकमांड बोलता है कि उनका परिवार को देना पड़ता है, परिवार को देने से हमारा पार्टी का फिलोसॉफी तत्व सिद्धांत है बोलता है, तो उस टाइम में हम हाईकमांड के साथ बैठ के उसके बारे में फायदा नुकसान के बारे में मैं बात करके नेक्स्ट डिसीजन लेके आपको बताएंगे। नहीं, हाई कमांड तो सोचेगा ना कि फायदा है नुकसान, टिकट देने से पहले सोचेगा। अगर उनका फाइनल डिसीजन है कि वो टिकट देंगे आपको, उनको फैमिली मेंबर को टिकट देंगे, तो उस समय में आप क्या करेंगे? उस टाइम में अगर ऐसा दे रहे हैं तो आपको और एक बार बोला कि उस टाइम के डेवलपमेंट के बारे में क्या क्लैरिफिकेशन देंगे। आप जैसे के बता रहे कि हाईकमांड का फायदा होता नुकसान होता वो सेकेंडरी रही, बट आप ये बताइए क्या उनका साथ देंगे या नहीं देंगे? पार्टी का डिसीजन के साथ हम रहने वाले हैं सर। और सेकंड बात, आप जो कह रहे हैं कि बाहर से जो आने वाला है, बाहर से ऐसा कौन सा कैंडिडेट आने वाला है जिसकी वजह से आप लोग इकट्ठा हुए हैं? कौन आने वाला है, कौन आ रहा है, हमको उससे लेना देना नहीं है। हमारा डिमांड एक ही है, बाहर वाले को मत दो, कोई भी रहने दो, बाहर वाले को मत दो। कौन आ रहा है, कौन आने वाला है, कौन आएगा, अभी हो सकता है ये जितने नाम आ रहे हैं ना, इससे भी कोई और भी आ सकता है, बड़ा भी नाम आ सकता है। इस तरह से भी आपने 8 लोगों का लिस्ट दिया है, अगर इनको छोड़कर कोई दूसरे भी अगर व्यक्ति लोकल का अगर आता है तो क्या उसको सपोर्ट करेंगे? लोकल वाला कोई भी आए तो हमारा सपोर्ट करेंगे। और एक आपके तो आपके जरिए से और एक हमारा आग्रह है, अभी भी कोई लोकल में टिकट पूछ रहा है तो हमारे टीम में वो आके शामिल हो सकते हैं। अच्छी बात, अगर हमारे सीनियर है, कांग्रेस पार्टी के सीनियर है तो बेशक आ सकते हैं। और एक बात बोलने की तारीफ खाली क्या है, बसवराज अटूट साहब, मुड़े साहब की पार्टी में थे, इन्हें छोड़कर चले गए पार्टी, जब से पार्टी फोटो डिस्टर्बेंस वर्कर ने उस टाइम से हम पार्टी के हक में काम कर कर जमा कर कर उस टाइम से हम काम कर रहे हैं, पार्टी के वास्ते में हमारा सब लगा रहे हैं, तन मन धन लगा कर पार्टी को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी 2013 में वीरनारायण साहब को हम एक्सेप्ट करें, 2018 में भी दिए हम एक्सेप्ट करें। वीरनारायण साहब एक अच्छे आदमी थे, विचार सब को लेकर चलने वाले थे, मेरे को चले भी। अब वैसा शख्स 100 साल में भी नहीं आएगा। आप तुम बाहर का इतने अगर लाख हमारे सिर पर अगर आकर बैठ देंगे काम करने तो हम कैसा करना समझो। एक एग्जाम्पल, एक मुरबी सर्कल के आदमी को एमएलए को मिलना है काम है, या हुरसूर सर्कल के आदमी को मिलना है तो अपने कहाँ देंगे? लोकल का रहा तो कल्याण में आकर मिल सकते हैं, अब बाहर का रहा तो 1500 रुपये खर्च को जाना पड़ता है। तो ये सिचुएशन नहीं होना बोलकर हम लोकल के कोई तो आदमी को टिकट दो, ये हमारी रिक्वेस्ट है। नारायण साहब जो काम करके गए, जहाँ पे उनको अधूरा और पेंडिंग छोड़ के गए, ये सबको यहाँ पे मालूम है। इसको ये लक्ष्य को हम आगे 2.5 साल पूरा लेके चल सकते हैं, ये हमारा मकसद है। लोकल में से कोई बसों के लिए से कैंडिडेट आता है और जीतता है तो वो पूरे लक्ष्य को पूरा करेंगे 2.5 साल में, हमारी ये चिंता है। इसके लिए हम ये लोकल कैंडिडेट के लिए टिकट मांग रहे हैं, इसमें पार्टी का भी डेवलपमेंट है, लोकल से कैंडिडेट भी डेवलपमेंट होगा। हम लोग कांग्रेस के सीनियर लोग 7 लोग यहाँ पे इकट्ठा होके आज हमारे बीच में बाबू हन्ना नायक साहब है, अली साहब, अशरफ अली साहब है, शंकर राव जमादार जी, सुधाकर गुर्जर जी, इजाज लातूरे जी, शिवराज नरशेट्टी जी, हम 7 लोग मिलके कल हमारे कल्याणी के तमाम कार्यकर्ता लीडर्स के साथ हम एक मीटिंग किए। उसमें से ये नतीजा आया कि इस बार जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इस बाई इलेक्शन में लोकल में जो लोकल की नुमाइंदगी करे, लोकल के आवाम की नुमाइंदगी करे, उस आदमी को टिकट देना है कांग्रेस पार्टी से, और वही आदमी को यहाँ पे इलेक्शन लड़ना है। ये डिसीजन हमारे सारे वर्कर्स
बहुत सारे लोग वर्कर्स गांव गांव से आए थे, सिटी से भी आए थे। हमारे बीच में उनकी इच्छा जाहिर करने के बाद आज हम सब सीनियर्स लोग मिलके, सात लोग मिलके यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। उसमें आपके ज़रिए से पूरे आवाम को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सात लोग लोकल में टिकट मांग रहे हैं, और हमारे अलावा भी कोई अगर लोकल में टिकट मांग रहा है तो हमारे साथ में आके हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। हम लोग ये डिमांड करते हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स से, ईश्वर खंडरे जी हो, राजशेखर पाटिल जी हो, रहीम खान जी, परसों हमारे डीके शिवकुमार जी आ रहे हैं, हम उनसे भी मिलेंगे, सिद्धरामैया साहब से मिलेंगे, खड़गे साहब से मिलेंगे, तमाम हाईकमांड से मिलकर गुजारिश करेंगे कि हमारे सात लोगों के अंदर में टिकट दिया जाए तो अच्छा रहेगा। और हमारे सात लोगों में सभी कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम भाई है, हमारे दलित भाई है, बैकवर्ड है, सभी लिंगायत है, सभी लोग हैं, इनमें से टिकट देंगे तो हम सारे लोग मिलके ये सीट जीतने की हम कोशिश करेंगे करके आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं। मैं सारे वर्कर्स को, सारे कांग्रेस के लीडर्स को आपके ज़रिए से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब लोग हमारे साथ खड़े रहिए, बसवा कल्याण के लोकल लोगों के साथ, लीडर्स के साथ खड़े रहिए, क्योंकि इलेक्शन है, बहुत से लोग आते जाते, हम सबको साथ में रहना है, हम सबको ज़िंदगी साथ में गुजारना है। आपके सुख दुख में हम आने वाले हैं, हमारे सुख दुख में आप आने वाले हैं। कई लोग इलेक्शन आते हैं जाते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं जाते हैं, जीतते हैं जाते हैं, हारते हैं जाते हैं। आज आपने देखा पीजीआर राव शिंदे यहाँ से इलेक्शन लड़के 40,000 करीब 40,000 वोट लड़के कहाँ पे है आज, आज उनका पता नहीं अता नहीं। इसलिए बाहर वालों को कृपया करके हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं, लोकल में हम सब लीडरशिप करने की क्वालिटी है, हम सब लोग 20-25 साल 30 साल से लीडरशिप कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ रहिए, हमारे ऊपर आशीर्वाद रखिए, ये आपके जरिए से मैं आग्रह। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।